सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। गाइस आज मैं आपको अपने साइप्रस वाइन्स के बेबी प्लांट्स दिखाने वाला हूँ, और ये मैंने सीड से ग्रो किया था। देख सकते हो कितने अच्छे से इसकी कंडीशन हो चुकी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम मेरे को शो कर रही है, जो कि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर के साथ भी होती होगी लगभग, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि जो जो बेबी प्लांट्स रहता है, सभी व्यूअर्स का ये कमेंट्स रहता होगा, डाउट रहता होगा कि इसकी जो येलो लिप्स क्यों होती है। गाइस मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो बेबी प्लांट्स रहता है उसमें ऊपर की जो टिप रहती है वो येलो होके ही निकल के जाती है ऊपर, मतलब पूरी येलो हो जाती है। तो वो क्या सोचते हैं कि पता नहीं हमारे प्लांट्स में कुछ फंगस आ गया या फिर ओवर वाटरिंग हो गई है एक्स वाई जेड के, उसको देख के वो कोई भी फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो प्लांट क्या होता है, फिर डेड हो जाता है। हाँ, लेकिन एक कारण से भी ये होता है, अगर ओवर वाटरिंग आप करते हो तो भी येलो लिप्स का कारण हो सकता है, अगर कम वाटरिंग करते हो तो भी इसका जो क्या होता है येलो होने का कारण हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना, ओवर वाटरिंग जब होती है तब इसकी जो लिप्स होती है ना साइडों से जलने लगती है, येलो लिप्स के साथ ये ऑटोमेटिक जलने लगती है। आप तो आप ध्यान दे लेना इसमें कि हमारे प्लांट्स में आखिर हुआ क्या है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी एक्टिविटी होती है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपके प्लांट में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो ये मेरा कुछ, मैं भी कल से देख रहा था, मुझे भी एक बार का लगा था, क्योंकि मैं इस प्लांट के पीछे कम से कम बहुत दिनों से पड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे सीड से ही ग्रो करना था और नर्सरी में छोटा प्लांट्स मिलता नहीं है मेरे इधर। मैंने कई नर्सरीज पर ट्राई किया लेकिन मुझे इतना इसका प्लांट नहीं लिया। फिर मैंने इसके सीड्स को ग्रो किया तो आराम से इसके सीड है वो ग्रो हो गए, तो दो ही सीड्स ग्रो हो पाए। इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने सीड्स को डाला था। आप जब भी सीड्स को ग्रो करो तब इसके एक से अनेक ही सीड है वो ग्रो करिए, क्योंकि दो चार में से एक का ही चांस रहता है ग्रो होने का, क्योंकि इसका जो ग्रोइंग सीज़न रहता है वो समर सीज़न का रहता है। वैसे तो ये परमानेंट रहता है लेकिन उतनी ग्रोथ ये नहीं करता, लेकिन फिर भी देख सकते हो इसकी जो पत्ती है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और इसमें कुछ फ्लावर्स आते हैं वो स्टार शेप के इसमें फ्लावर आते हैं, और इसमें तीन कलर आते हैं, वाइट, पिंक और रेड। हाँ यही आते हैं, मैंने तीन ही देखे हैं। अगर इससे ज़्यादा आते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी बात करते हैं इसको फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र आप इसको अभी कोई भी इसको केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि अभी इसका सीज़न नहीं रहता है फर्टिलाइज़र का। आप करोगे इसकी जो रूट्स है उसमें फीडिंग नहीं करेगा ये, क्योंकि इसका सीज़न नहीं रहता है। ये अभी ग्रोथ करता है ये बहुत काफ़ी है, क्योंकि अभी इसको नॉर्मल आपको वाटरिंग ही करना है। वाटरिंग आपको देख के करना है, जो इसकी टॉप लेयर है वो सूखने लग जाए तब आपको इसमें वाटरिंग करना है, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी का आप ऑर्गेनिक में कई सारी चीज़ें होती है, दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गई, सरसों कली हो गई है, और दो तीन चीज़ें ऐसी है जो हमारे प्लांट्स के लिए लाभदायक होती है, नुकसान भी नहीं करती, आराम से रिलीज होती है प्लांट को, और प्लांट हमारा अच्छे से ग्रोथ भी करता है। मैं हमेशा यही करता हूँ, एंड सेंड गवर्नमेंट चीज़ें देता रहता हूँ अपने प्लांट को, और आराम से ये ग्रोथ करता रहता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे चैनल पर एक्टिव बने रहना, क्योंकि आपको आने वाला वीडियो मिलता रहेगा गार्डनिंग से रिलेटेड। सो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।